पहले वाला आपको समझाया था दिन 10 आद्र उपाय के, सिर्फ 10 दिनों का आदर अगर प्राप्त कर लिया, 16 दिन श्राद्ध के होते हैं उसमें कौवे को आदर दिया जाता है, करिले आपू बखानू, तो कौवा अपने आप का बखान करने लगता है, अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझता है कि मैं मेरे जैसा तो कोई नहीं है, मुझे सब आदर दे दे के बुलाते हैं। जो लगी काग श्राद्ध पकू, जब श्राद्ध पक्ष लग जाते हैं तो लगी तो सम्मान, तो ही उसे सब लोग सम्मान देते हैं, अन्यथा कौवे को किसी कोई नहीं पूछता है। दसवां है और हमारा आखिरी है अति अघाधु अति ओथ्रो नदी कूप सरूप बाई। अति अघाधु मतलब बहुत ज्यादा अघात, बहुत ज्यादा विशाल फैला हुआ, और अति ओथ्रो मतलब बहुत ज्यादा गहराई में भी। नदी कूप सरूप बाई, नदी कूप यानी कुआं, सरू यानी सरोवर तालाब, और बाई यानी बावड़ी जो होती है। सो तापो सागर जाकी प्यास बुझाई, सागर कैसा होता है, बहुत विशाल होता है और बहुत गहरा होता है, फिर भी वो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता, जबकि बहुत छोटी जगह होने पर नदी कम जगह कूप कुआं बाई बावड़ी और सरू यानी तालाब बहुत कम जगह लेने पर भी किसी भी व्यक्ति की प्यास बुझा सकते हैं। तो ये हमारे बिहारी जी के सारे पद्य हैं, दोहे। कबीरदास जी का हमने पढ़ा अमृतवाणी, और बिहारी जी का हमने पढ़ा जो दोहे हैं